की बिल्डिंग कैसी है क्योंकि यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, इसलिए है ही छोटा सा टाउन, तो सब कुछ बड़ा डिस्टेंस भी होता है। देखो गाइस, ये जो ग्रीन कलर वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये कोस्ट माउंटेन कॉलेज है। तो कॉलेज की बिल्डिंग दिखाने के साथ साथ आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, काफ़ी सारे मेरे को मैसेज आते हैं कि कुछ वीडियो बनाओ प्रिंस रूपर्ट सिटी के बारे में, बताओ कैसी सिटी है, कैसा यहाँ पर लाइफ स्टाइल है, एकोमोडेशन की क्या है, ये सब चीज़ें। काफ़ी सारे 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट आउट करे हैं, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे मैं कोस्ट माउंटेन कॉलेज के सामने खड़ा हूँ, छोटी सी बिल्डिंग है, कोई ज़्यादा बड़ा कॉलेज नहीं है, बट सही है, कनाडा में तो एक एक रूम के भी कॉलेज होते हैं और उसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकोमोडेशन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं, वो बहुत कंसर्न है अकोमोडेशन को लेकर प्रिंस रूपर्ट में, क्योंकि एक छोटा सा टाउन है, यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है, तो ज़्यादा लोगों के यहाँ पर रिश्तेदार वगैरह या नॉन वगैरह नहीं होंगे, तो अकोमोडेशन सबके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। कुछ किसी को जानते नहीं है जो उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप प्रिंस रूपर्ट आ रहे हो, जो स्टूडेंट्स अभी सितंबर इनटेक में या जनवरी इनटेक में प्रिंस रूपर्ट आना चाहते हैं, तो उनके लिए अकोमोडेशन वैसे यहाँ पे सच में एक कंसर्न है, क्योंकि अकोमोडेशन ईजिली सिटी में मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी सिटी है और लिमिटेड ही हाउसेज हैं। तो अकोमोडेशन के लिए आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर सर्च कर सकते हो। फेसबुक मार्केट प्लेस पर जो भी ओनर्स होते हैं वो अपने घर की या अपार्टमेंट्स की मार्केट प्लेस पर वीडियोस डाल देते हैं अगर उनको टेनेंट चाहिए होते हैं, तो आप सबसे बेस्ट ज़रिया तो वही है कि आप वहाँ पे अपना देखते रहें, वहाँ पे जैसे ही कोई ऐड डालता है आप उनको मैसेज करके कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें और अकोमोडेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी किजीजी है, किजीजी ऐप के ज़रिए भी आप अकोमोडेशन यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके भी आप अकोमोडेशन ढूंढ सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करिए प्रिंस रूपर्ट रेंटल्स के नाम से, और इवन फेसबुक पे भी काफ़ी सारे पेज हैं, प्रिंस रूपर्ट रेंटल के नाम से भी पेज है और भी एक दो पेज हैं प्रिंस रूपर्ट्स के, वो आप सर्च करके
और वहाँ पे भी अकोमोडेशन के लिए ओनर्स ऐड डाल के रखते हैं, तो आप वहाँ पे भी सर्च करके अकोमोडेशन अपनी ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको कोई स्टूडेंट मिलता है यहाँ पे तो आप उससे कॉन्टेक्ट करिए, उसके ज़रिए अगर उससे कोई नॉन में होगा कोई अकोमोडेशन तो वो आपको बता देगा और ऐसे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं। बाकी ट्राई करिए जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो दूसरे जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, ताकि आप साथ में, क्योंकि अकेला अकेला अकोमोडेशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो आप साथ में दो तीन लड़कों का लड़कियों का ग्रुप के साथ अकोमोडेशन ढूंढें। पूरा घर आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएगा, तो आप पूरा घर रेंट पे ले लें और साथ में शेयरिंग्स में रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, काफ़ी लोग करते भी हैं, अपने डिटेल्स भी शेयर करते हैं, तो मैं सोच रहा था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर इंस्टाग्राम पे ही एक ग्रुप बनाऊं जिसमें जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उन सबको उसमें ऐड करूं, आप आपस में कॉन्टैक्ट करके अकोमोडेशन वगैरह ईजिली ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जो भी साथ में आ रहे हो आप लोग इंडिया से भी साथ में आ सकते हैं एक दूसरे को वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रिंस रूपर्ट आना चाहते हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं मैं आपको लोगों को ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। तो ये हो गई अकोमोडेशन। बाकी सेकंड अगर मैं बात करूँ वेदर की, यहाँ पे वेदर कंडीशन कैसी है, बहुत लोग पूछते हैं कि वेदर कैसा है, तो वेदर अभी जून का महीना चल रहा है और इस टाइम पे भी टेम्परेचर 8-9 के डिग्री के आसपास ही है, मैक्सिमम 12 डिग्री 13 डिग्री से ऊपर अभी तक तो नहीं गया है। तो लगभग मेरे को यहाँ पे 9-10 महीने हो गए हैं, लास्ट ईयर मैं अगस्त में यहाँ पे आया था, तो वेदर यहाँ पे मोस्टली ठंडा ही रहता है। बीच में नवंबर दिसंबर के टाइम पे, दिसंबर जनवरी के टाइम पे स्नो भी होती है, 2-3 महीने के लिए स्नो रहती है, तो बस मोस्टली ठंडा ही मौसम रहता है यहाँ पे। अभी भी हल्की हल्की ठंडी है, गर्मियाँ प्रॉपरली अभी आई नहीं है, वो देखते हैं नेक्स्ट मंथ तक शायद थोड़ी गर्मियाँ आ जाए, तो 1-1.5 महीना मैक्सिमम होगा गर्मी का, अदरवाइज मौसम यहाँ पे ठंडा ही रहता है। और बारिश यहाँ पे सबसे कहूँगा मैं वर्स्ट जगह है कनाडा में, यहाँ पे बहुत बारिश होती है, साल में ऑलमोस्ट 300 दिन तो यहाँ पे बारिश होती ही होती। तो मौसम के मामले में बस ऐसे ही है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठंड है, ठंड भी सर्दियों में भी क्या, टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन नहीं जाता कंपैरिजन टू अगर हम कनाडा के और अदर सिटीज़ के साथ कंपैरिजन करें, लाइक अल्बर्टा हो गया और दूसरे प्रोविंसेज हो गए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -35, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, बट यहाँ पर जो है मिनिमम टू मिनिमम -20 डिग्री तक जाता है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, और बर्फ़ भी लाइक 1-1.5 महीना ही पड़ती है स्नो, उससे ज़्यादा स्नो नहीं रहती है। तो आप थोड़ा ठंड के लिए तैयार होकर आए अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो। तो अभी मैं डाउनटाउन में खड़ा हूँ प्रिंस रूपर्ट के, तो ऑलमोस्ट अभी जो मेन प्लेसेस है वो यहीं पर, ये इधर मॉल है, एक ही मॉल है यहाँ पे, इसमें ही वॉलमार्ट है, शॉपर्स ड्रग मार्ट है, डॉलरामा है, तो और भी जो छोटे छोटे लाइक वेयर हाउस हो गया, क्लोथिंग का, ये सब चीज़ें लगभग सारी इसी मॉल में है। उसके साथ ही यहाँ पे रेस्टोरेंट है पिटा पिट, इधर टिम हॉटन्स है, टिम हॉटन्स के साथ ही बिल्डिंग है ये हाई लाइनर की, और प्रेस्टीज होटल्स वगैरह है, इधर ये सब्बे है, सब्बे के साथ अभी खड़ा हूँ मैं, तो बस ये सब कुछ पास पास ही है। तो इससे नेक्स्ट पॉइंट जो है ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट को लेके इससे छोटा सा टाउन है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जो हैं वॉकिंग डिस्टेंस पे ये आप अपना पैदल ही जा सकते हो, आधा घंटा 1.5 घंटा इतनी वॉकिंग होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, बट कुछ एक जगह है जो दूर दूर है, तो मैं स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो तो थोड़ा अकोमोडेशन डाउनटाउन के जितना पास हो सके उतना ही लेने की कोशिश करना, क्योंकि फिर आपको पैदल जाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि शिफ्ट जो होती है कभी सुबह 6 बजे शुरू होती है, 5 बजे शुरू होती है, रात को 3-3, 3:30 बजे तक भी शिफ्ट जो है वो ख़त्म होती है, तो उस टाइम पे स्पेशली लड़कियों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये इतना टाउन इतना ज़्यादा है नहीं कि सारी रात भी यहाँ पे, जैसे बिग सिटीज़ होती हैं तो उसमें रश रहता है, यहाँ पे इतना रश रहता नहीं है, शाम को 6-7 बजे के बाद यहाँ पे सब कुछ बंद होने लगता है। सॉरी मेरा फ़ोन आ गया था बीच में, बस उसके बाद मैं सीधा घर ही आ गया कपड़े निकाल के अपने, तो बाकी की वीडियो घर पर ही बना लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा था ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे बस सर्विस है बट वो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उसके लिमिटेड टाइम्स है, सुबह 7:15 बजे पहली बस होती है, उसके बाद शाम को 6:15 बजे के बाद कोई बस सर्विस है नहीं यहाँ पे, सैटरडे मॉर्निंग में भी लेट चलती है बसेस, संडे पूरा दिन बस सर्विस होती नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, कोशिश करना कि अकोमोडेशन डाउनटाउन के पास ही लें, ताकि आपको जॉब्स वगैरह पे जाने के लिए ईजी रहे।
तो बाकी थर्ड पॉइंट है पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं पार्ट टाइम जॉब्स कैसी है यहाँ पे। तो पार्ट टाइम जॉब आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे वॉलमार्ट है, सेव ऑन फूड्स है, सेफवे है, मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स वगैरह, इन सब जगह पे काफ़ी जॉब्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप यहाँ पे आओगे, पार्ट टाइम जॉब आपको इजीली, मैंने आपको ग्रोसरी स्टोर्स और फूड स्टोर्स वगैरह बताया, इनके अलावा भी बहुत सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली मिल जाएगी। तो पार्ट टाइम जॉब की इतनी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। तो बाकी अगर लिविंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं प्रिंस रुपर्ट में बात करूँ, तो अगर आप अपना रेंट मान के चलो आप शेयरिंग में रह रहे हैं या फिर प्राइवेट रूम लेकर भी रह रहे हैं, तो आपका रेंट 300 to 550, मैक्सिमम $600, 300 to 600 के बीच में आपका रेंट होगा अगर आप शेयरिंग में या फिर प्राइवेट रूम लेकर अगर आप रह रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस रेंटल का तो नहीं होगा। तो उसके बाद आपका ग्रोसरी वगैरह का, ग्रोसरी वगैरह का भाई जस्ट कॉमन अराउंड $200 की मंथली आपके, अगर आप लिमिटेड ही खर्च करें तो इतना ही आपका ग्रोसरी का खर्चा आएगा। बाकी पार्ट टाइम जॉब से आप इजीली $1,000 से $1,100 पर मंथ कमा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना खर्चा लिमिटेड करके चले, खाना वगैरह अपना घर से ही बनाएं, घर पे ही खाएं, ज़्यादातर टाइम बाहर से कम ही खाएं, तो आपके लिए बेटर है। आप अपनी फीस वगैरह के लिए पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, पर थोड़ा लिमिटेड खर्चा करें जब तक कि आप स्टूडेंट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ का थोड़ा टाइम का स्ट्रगल होता है, उसके बाद वर्क परमिट पर हो जाओगे आप, फुल टाइम जॉब होगी, आप कैसे मर्जी अपना एक्सपेंसेस कर सकते हैं क्योंकि आप कमाओगे भी ज़्यादा। उसके बाद अपनी GIC सेव करें, अगर आपको फीस सेव करनी है तो सबसे बेस्ट तो वही है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी अराउंड $800 to $900 पर मंथ जो है, इतनी आपकी यहाँ पे हो रहेगी, इतना तो आपका खर्चा हो ही जाएगा क्योंकि आपके फिर फ़ोन के बिल्स होंगे, इंटरनेट का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब चीज़ें, कभी कभार आप बाहर से भी खाओगे पियोगे। तो टोटल मिला के $800-$900 के आसपास आपका लिविंग एक्सपेंसेस प्रिंस रूपर्ट में आपका हो जाएगा। तो $200-$250 की मैक्सिमम सेविंग आपकी होगी अगर आप जैसे एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। तो उसके बाद मेन, अगर करियर अपॉर्चुनिटी, कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था कि करियर अपॉर्चुनिटी प्रिंस रूपर्ट में कैसी है, तो भाई प्रिंस रूपर्ट एक बहुत ही छोटा सा टाउन है कनाडा का। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई कंपनीज वगैरह है नहीं है, छोटे मोटे बस ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ये बस एक है जो यहाँ पे पोर्ट है। तो पोर्ट पे भी जॉब लगना इतना ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कनाडा में सबको पता ही होगा कि रेफरेंस के थ्रू ही जॉब मिलती है। तो अगर आपका रेफरेंस है तो आप शायद जॉब यहाँ पे इवन बाद में आप कर सकते हैं, अगर पोर्ट में आपका कोई रेफरेंस है तो, अदरवाइज जॉब यहाँ पे लेना मुश्किल ही है। तो बड़ी जो कंपनी है यहाँ पे है सिर्फ वो पोर्ट ही है, उसके अलावा कोई यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है नहीं। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई बिग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि यहाँ पे आओ, थोड़ा एक्सप्लोर करो अपना स्टडी, जब तक आपकी कंप्लीट होती है तब तक रहो। अगर आपको बढ़िया जगह आपको करियर बनाना है तो आप यहाँ से मूव करो अदर प्रोविंसेज में, या फिर वैंकूवर सरी साइड जाओ, तो उधर अच्छी कंपनीज है, वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी अगर यहाँ पे PNP के अगर उससे आ रहे हैं आपको, तो यहाँ पे PNP वगैरह यहाँ पे लग सकती है आपकी, और पॉइंट्स क्योंकि यहाँ पे प्रिंस रूपर्ट के रीजनल एरिया हो गया तो थोड़े बहुत पॉइंट्स उसके मिल जाते हैं आपको। बाकी यही था बस प्रिंस रूपर्ट सिटी के बारे में, यही मेरा रिव्यू था तो मैं यहाँ पे रहा हूँ। बाकी शांत सिटी है, बहुत ही शांत सिटी है यहाँ पे, बाहर आप सड़कों पर निकलोगे कि आपको दूर दूर तक कोई नहीं पैदल चलता हुआ नजर आएगा, तो अच्छी सिटी है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट के लिए और कोई डाउट हो आप प्लीज़ मुझे DM करें, या फिर मेरी वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके लिखते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा कि इस चीज़ के ऊपर बनाऊँ और रेगुलर वीडियो लाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अब तक की वीडियो में बस इतना ही, बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और स्टे ट्यून्ड। थैंक्स, बाय।